यूक्रेन पर हमला करने वाला है रूस। अगले 24 घंटे में दुनिया पर बड़ा संकट आने वाला है। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या बड़ा दावा किया है? उधर अमेरिका ने रूस के हमले पर क्या कुछ कहा? यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस के एक्शन को लेकर अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने क्या बड़ा दावा किया? अमेरिका ने यूक्रेन संकट पर भारत से क्या बातचीत की? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खतरे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 महायुद्ध। यूक्रेन पर रूस कल यानी 16 फरवरी को हमला करेगा, ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहली बार रूस की ओर से होने वाले हमले को लेकर इतना बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने देश के नागरिकों से रूस के हमले की तारीख बताई है। अब तक यूक्रेन रूस के हमले को लेकर अमेरिका के साथ दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियों के दावे को नकारता रहा था। यूक्रेन पर होने वाले रूस के हमले को लेकर अमेरिका पल पल बदलते हालात पर नजर बनाए हुए है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सीमा पर हमले के लिए सारी तैयारियां करने में जुटा था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि संकट को टालने के लिए कूटनीतिक रास्ता भी है, लेकिन हमें सच्चाई को भी स्वीकारना होगा। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस से बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात को लेकर भारत से बातचीत की है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत समेत सभी क्वाड देशों से बातचीत की। अमेरिका ने कहा कि रूस का एक्शन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बदले हालात के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री बेल्जियम, लिथुआनिया और पोलैंड के दौरे पर जाने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समाधान के लिए कोशिश करने वाले फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन पर रूस हमला करने की पोजीशन में आ चुका है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन ने कहा है कि रूस को हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा, उस पर यूरोप बड़े बड़े प्रतिबंध लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। फ्रांस ने कहा है कि भले रूस पर प्रतिबंध लगाने का असर यूरोप पर भी पड़े, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूस के लाखों जवान और उनके टैंक असेंबली पॉइंट से हमले की मोड में आ गए हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि उन्हें अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। पेंटागन ने आशंका जताई है कि रूस बिना किसी चेतावनी के यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले की योजना से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अब यूक्रेन भी अपने नागरिकों को एकजुट करने में जुट गया है। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने वीडियो संदेश में अपने नागरिकों की हौसला बढ़ाने के लिए कल यानी 16 फरवरी को डे ऑफ यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे के बीच यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर यूटर्न ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि नाटो में शामिल होने से यूक्रेन का अस्तित्व बचेगा। उन्होंने कहा कि नाटो का सदस्य बनने से यूक्रेन की रक्षा की गारंटी मिलेगी। इससे पहले ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत ने कहा था कि जंग को टालने के लिए यूक्रेन नाटो से दूरी बना सकता है। दुनिया को रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध से बचाने के लिए जर्मनी भी जी जान लगाए हुए है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज आज रूस के दौरे में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। जर्मनी रूस को बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। ओलाफ सोल्ज इस मुद्दे पर अमेरिकी दौरे में बाइडेन से भी मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रूस और यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने कल यूक्रेन का दौरा किया था। राजधानी कीव में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर युद्ध को टालने की रणनीति पर चर्चा की। इस मुलाकात में जेलेंस्की ने जर्मनी से 12,000 एंटी टैंक मिसाइल देने की गुजारिश की। जर्मन चांसलर यूक्रेन की मदद के लिए 15 करोड़ यूरो की नई मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस नहीं माना तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।